नमस्कार भैया, हरो जय राम जी। स्वागत है आप लोगों को एक नए वीडियो में। और जो वीडियो एक क्यू एन ए वीडियो हमने एक दार और बनाओ तो अपने मेन चैनल पर दा कलाकार पे। और जो हम अब लगातार आपके यहाँ से क्यू एन ए वीडियो आते हैं ई चैनल पे, अब ऊपर ना आए यही पे आए और लगातार क्यू एन ए वीडियो आए। हफ्ते में शायद एक वीडियो डालवे की हम कोशिश करें कि आप लोगों के सवाल के जवाब को एक वीडियो हम बनावें। और ई वीडियो में भी हम आप लोगों के सवाल के बारे में चर्चा करवाए कि आपको जितने सवाल उनको जवाब दें। तो एक मोस्टली सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछो जाता हमसे, उस सवाल को सबसे पहले हम जवाब दे देवें। और उस सवाल को हमने ऊ क्यू एन ए वीडियो में भी जवाब दो तो वह हमेशा देते रहते हैं, लेकिन फिर भी वही सवाल बार बार पूछो जाता। और ताज्जुब की बात तो जा है कि जोन हमने क्यू एन ए वीडियो में उस सवाल को जवाब दो तो वही में कमेंट करके लोग ने फिर से वही पूछो कि आप आओ कहते कि। तो भैया फिर से हम बता दें, हम कहते हैं कि यहाँ कौन गांव है, काका है, सब बता दिया। हमारे गांव को नाव है कोटवाड़ा और तहसील है घुआरा और विकास खंड है बड़ा मलहरा, जिला है छतरपुर, मध्य प्रदेश। ठीक। और बाकी हम अपने सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। काका है आप लोगों की, तो हमने बेई सवाल लाए हैं जो उनमें आपने कछु पूछो है हमसे, बाकी वो कौन हमने आपके कमेंट नहीं लाए, बेई कमेंट लाए जो उनमें आपने कछु हमसे पूछू है। तो सबसे पहले जो सवाल है वे कर रहे हैं बीरन कुशवाहा। बीरन कुशवाहा कह रहे हैं कक्कू भैया एक मूवी लव स्टोरी पर बनाओ आप। तो बीरन भैया मूवी की जहाँ तक बात है तो मूवी अपन अब नहीं बना रहे, कैसे मूवी में बहुत सारा बजट लगा थे, बहुत सी चीज़ें मैनेज करने पड़े तो मूवी अपन नहीं बना रहे। लेकिन लव स्टोरी पर अपन वीडियो वगैरह बनाते थे, कॉमेडी टाइप के शॉर्ट वीडियो। बाकी अपन अगला सवाल देखें तो अगला सवाल जो है वो है विजुअल, वैसे विजुअल साहू लिखो ही में होना चाहिए विशाल साहू। तो जे पूछ रहे कक्कू भैया तुम्हारी इनकम कितनी हो गई। तो विशाल साहू भैया इनकम की भैया ऐसी है बात के इनकम लगभग तुम जो समझ लो कि 10-15 क्विंटल पीसी के पैसा है महीना आ जात, और मैं अपनों खाती पानी चलाता थे। अगला जो सवाल है वो है सोमवती रेकवार को, और सोमवती रेकवार जी कह रही कक्कू भैया दाऊ को क्यों नहीं ले रही हो वीडियो में। हमारी वीडियो में एक दाऊ रहते विनोद भैया, काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी करते। अब विनोद भैया ऐसा है कि वे अपने निजी जीवन में अपने पर्सनली काम में ज़्यादा व्यस्त हो गए, और आप लोगों ने पता ही है कि वे गवर्नमेंट जॉब पर रहते, तो गवर्नमेंट जॉब में बिजी हैं वे अपने। अगला जो सवाल है वो कर रहे हैं पायलट ब्लॉक्स इको पार्ट टू देखने देखवे मिले का कक्कू भैया निवेदक नरेंद्र कुशवाहा रेलवे पायलट। तो नरेंद्र भैया इन्हें वीडियो करो शायद भोजपुरी व जो ना हो तो कक्कू की भोजपुरी घर वाली, वो वीडियो पर कमेंट करो, उनको कह जे इको दूसरा पार्ट आ है का। तो भैया आपके जाना हम बता देवे कि जो में भोजपुरी को वीडियो बनो तो जो में भोजपुरी बोले वहीं पर बहुत ही हती थी वे यहाँ बिहार आई की, बिहार में उनकी शादी भाई है और वे अब ऐसे यहीं थी रक्षाबंधन पे, मतलब अपने क्षेत्र में ना आई तो उनके लाने वीडियो में ले लो। तो अब तो वैसे पॉसिबल नहीं है, वे यहीं की तहीं पहुँच गई हैं बिहार में और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से भी नहीं आ सका तब, तो मुश्किल ही है वीडियो जहाँ तक है। तो अगला जो सवाल है वो कर रहा महेश पाल भैया, और उनको कैबो है कक्कू भैया तुम्हारा मोबाइल कौन सा है, वीवो का है या लावा का है या रियलमी का है या फिर है ओप्पो का। तो हमने अभी रिसेंटली एक फ़ोन लाओ है ओप्पो को, ओप्पो F15, और जो सा शूट हो रहा जो वीडियो वही से हो रहा हूँ, और जो हम ले हैं वो तो नोकिया आए। तो हमारे पास ओप्पो का मोबाइल कहाँ ना, इसके पहले हम लेनोवो को चला उतते और बस। अगलो जो सवाल है वो कर रहे किंग इलेवन को कहो है कबड्डी का खेल पूरी तरह से पूरा हुआ ही नहीं है, इस खेल में पता ही नहीं चला है कि कौन सी टीम जीत हासिल की है और कौन सी टीम ने हार मानी है। तो किंग इलेवन भैया जा एक कॉमेडी वीडियो है, तो कॉमेडी वीडियो में जो जरूरी नहीं है दिखावो तो कौन जीत रहा हो कौन हार रहा, मतलब अपना एक कॉमेडी आधार लेकर चल लें। तो कॉमेडी को जो अंत है ना वो उतना ही भाव है जहाँ होना चाहिए, मतलब कॉमेडी दिखावा जो भी है तो सिर्फ कॉमेडी दिखाओ, बाकी मैं तो कछु खास दिखावे के लायक नहीं है, तो कौन कहानी खा लेकर नहीं चल रहे थे।
इंजॉय करो बस। दिलीप दुबे, दिलीप दुबे कह रहा है कक्कू भैया आपकी वीडियो में मुझे रोल मिल सकता है क्या? मैं भी बुंदेलखंडी हूँ, मेरा नाम दिलीप दुबे है और मेरी पढ़ाई 12th तक है, प्लीज़ हो सके तो बताना। तो दुबे जी ऐसा है कि जो सवाल भी हमारा ना बहुत ही ज़्यादा आउट है, वह सब जना फ़ोन लगा के अभी कहते हैं कि हमें वीडियो में कर लो। आसपास भी जितने रहते हैं, मिलत भी हैं, जितने भी जय सवाल कहे थे और जय पूछे थे कि हमें अपने वीडियो में कर लो, कब कर रहे। तो इको ना सीधा सा जवाब जो है कि आप लोग का एक चीज़ समझना चाहिए कि हमारे पास में देखो टीम पहले से हैं, जो वीडियो हम बनाए थे उनकी टीम पहले से है हमारे पास में। और फिर अधिकतर वीडियो में 8-10 लोगों की या उससे कम ही लोगों की ज़रूरत पैद है। जब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पैन लगा तो हम आप लोगों का बताएँ, या कौन फिल्म विलम बना है तो आप लोगों का बताएँ। वैसे कॉमेडी वीडियो में तो 6-7 लोगों की ज़रूरत पैद, ऑलरेडी टीम है, क्योंकि हटा तो सकत नहीं है जहाँ लोग, आप समझ सके जा बात का। और रही बात एक और, अपने एक रईस भैया हैं, वे सबका मौका देवे की सोच रहे हैं, सो हम सोच रहे हैं आप लोगों का होता है पहुँचाओ जा, सो हम आगे चल के कोशिश करें आप लोगों का होता है पहुँचावे की, अगर आप कहीं एक्टिंग करने तो होते हम पहुँचवा सकते हैं आप लोगों का। अगला जो सवाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं शुभम सेन भैया, कह रहा है की पट ब्रो, वो शुड इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ वीडियो, डायलॉग डिलीवरी एंड कॉस्ट्यूम। लास्ट वीडियो 15 अगस्त वाला में नन्ना का गेटअप थोड़ा और इम्प्रूव होना था और डायलॉग भी, बट कोई नहीं, कीप गोइंग, इफ एनी प्रोजेक्ट कम्स इन माई अंडर आई विल कॉन्टेक्ट यू। तो देखो भैया ऐसा है शुभम भैया के वीडियो क्वालिटी जो है वह अपन इम्प्रूव करें आगे चल के, अब भी कर रहे हैं। और बाकी ऐसी चीज़ें हैं कि कॉस्ट्यूम वगैरह जो होते हैं कहूँ कहूँ अपने पास नहीं होते, प्रॉब्लम हो जाती उस चीज़न की, और अपन उसकी चीज़न की व्यवस्था नहीं कर पाऊँ। देखो अपने पास में DSLR तो है नहीं है, और भी कई चीज़ें जैसे अपने पास जो समझ लो कि संसाधन नहीं, कहाँ नहीं कमी संसाधन कहाँ नहीं, तो अपन उस चीज़ कहाँ देख कर चले थे और यही वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती। बाकी अपन आगे चल के बिल्कुल ही चीज़ का इम्प्रूव करें, और आपकी बात बिल्कुल सर और आँखों पर। अगला जो सवाल है वो कर रहे गोविंद कुशवाहा जी, प्लीज़ मेक क्वालिटी कंटेंट एंड हिंदी वीडियो सो दैट यू कैन ग्रो योर चैनल। देखो गोविंद भैया ऐसा है कि क्वालिटी अपन कंटेंट की बढ़ाएं, क्वालिटी पर अपन ध्यान दे रहे हैं, और अपन ने एक बात और कही है कि हिंदी वीडियो बनाओ सो आपको चैनल ग्रो हुई है। देखो ऐसा है गोविंद भैया के हिंदी में अगर अपन को काम करने हो तो हिंदी में अपन पहले भी कह सकते, ऐसी बात नहीं है कि अपन हिंदी आउत नहीं है। देखो अपन पढ़े लिखे हैं लेकिन अपन हिंदी में इसे बना पाई चाहे तो ऊब ना अपन भीड़ में जावा चाहे तो ना, अपन सूरत के तरह अपनी बुंदेली को नाम आगे भाव चाहिए, अपन अपनी बुंदेली खांगे ले जावा चाहे। तो देखो एक चीज़ और हम बोलब चाहत के जितनी अच्छी बुंदेलखंड के आदमी जितनी अच्छी बुंदेली बोल सकत हैं उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकत, ये चीज़ का आप मन में बैठा लो। और ये चीज़ का हम माना था कि जितनी अच्छी हम बुंदेली बोल सकत हैं उतनी अच्छी हम हिंदी नहीं बोल सकत, और जितो अच्छा हम बुंदेली में काम कर सकते हैं उतो अच्छा हम हिंदी में काम नहीं कर सकते, ना ही अदर लैंग्वेज कोनों में भी नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो ही है कि अपन का हिंदी में काम जब मिले है जब कहें, लेकिन अपन अपने उसे नहीं करें, बाकी अपन का बुंदेली में काम करना कहाँ नो जब तक जीवन ले जब तक। अगला जो सवाल है वो कर रहे अखिलेश यादव और कह रहे हैं भैया कुछ किसानों के बारे में भी बनाकर भेजो, जय जवान जय किसान। बिल्कुल अखिलेश यादव जी, हम जो आगे चल के वीडियो बना है उनमें किसान के बारे में भी, मतलब किसान के ऊपर भी कुछ वीडियो बना है, और किसान के बारे में देखो वीडियो बनाओ भी जरूरी है, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं उनके लिए हम दिखाएँ वीडियो के जरिए किसान के बारे में, तो किसान के बारे में हम वीडियो बिल्कुल बना है, हम भी सोच रहे थे काफ़ी दिन से। चलो अगला जो सवाल है वो कर रहे हैं रामचरण म्यूजिक वर्ल्ड, ये कह रहे कक्कू भैया एक बार अपने माता पिता से साथ ही मिलाओ भाई, मतलब माता पिता से मिलाओ। तो ज़रूर ऐसा जब मौका आया है तो माता पिता से भी मिलवा है, अब का मौका नहीं है लेकिन आगे चल के अपन कहूँ ना कहूँ मिलवा है, जरूर मिलवा है। रविंद GH कह रहे कक्कू भाई जो आपने क्रिकेट वाली वीडियो बनाई थी उस जैसी वीडियो बनाओ, क्योंकि क्रिकेट जैसी वीडियो आपने अभी तक नहीं बनाई है। देखो भैया रविंद्र भैया ऐसा है क्रिकेट वालों अपन ने वीडियो बनाओ तो काफ़ी
प्यार मिलो तो आप लोगों को काफ़ी अच्छो, आप लोगों को प्यार मिलो तो ऊपर। और क्रिकेटी जैसी वीडियो हमने अब हाल ही में निकाली एक बुंदेलखंडी कबड्डी, तो जिसने कबड्डी नहीं देखी बस देखो वही टाइप की वीडियो है, वहाँ भी प्यार दो अपनों। आगे चल के भी बनाया अपने सही देवेंद्र राजपूत को हम लोग सवाल है और ये कह रहे हैं वैसे आप बुंदेलखंडी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, काबिले तारीफ़ है भाई, मैंने यूट्यूब पर बहुत से चैनल देखे हैं मगर आपका बुंदेली में इस तरह से हंगामा मचा हुआ था चैनल पहली बार देखा है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बुंदेली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, बुंदेली भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सवाल कछु नहीं है मैं तो देवेंद्र भैया आपके लाने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी तारीफ करी है, और वास्तव में इतनी तारीफ के लायक तो नहीं है लेकिन चलो आपने कही है, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी सपोर्ट बना रहा हो, ऐसी प्यारा बना रहा हो, बस आगे जरूर बढ़े। अगले जो सवाल है वो कर रहे कुलदीप रिछेले, कक्कू भैया इको दूसरा पार्ट जरूर बनाओ और बहुत मज़ा आ गया वीडियो को देखने में, कहे जो ठंडो होगा ई मोड़ी को शादी हो गई कि नहीं बताओ, जरूर बताओ। दूसरे पार्ट को जो सवाल है जो उनको उको आए बोंदी बलम की चतुर गए भाई वो वीडियो पर ना कमेंट करो तो उको देखो पार्ट दूसरो शायद आ है आगे, अब उको को विचार नहीं है लेकिन आप लोग कहो तो जरूर आ जाए। और इनको जो सवाल है वो है ई मोड़ी की शादी हो गई, ई मोड़ी की कौन मोड़ी की, मोहिनी की ना, तो जो जब भौजी बना थे ना उनको नाम है मोहिनी, मोहिनी भारती, और मोहिनी की शादी अब नहीं भाई है, पेशे से भी गायक हैं, लोकगीत वगैरह गाउत हैं, बस इतने ही इनके बारे में जानकारी। और एक सवाल और है जो कि एक हेट कमेंट है उके लान भी हम पढ़वो, देखो हम हर प्रकार के कमेंट शामिल कहते हैं, वो एक आध सौ में से एक आध जब कोई हेट कमेंट भी कह देते ना तो उके लाना भी डालवो जरूरी है क्योंकि उके सवाल का जवाब देवो जरूरी है। तो जी कह रहे हैं सीताराम राजपूत और भैया का कह रहे इस प्रकार की बकवास वीडियो क्यों बनाते हो, समाज खराब कर रहे हो, मरने के लिए लोगों का मन डाइवर्ट करते हो। तो सीताराम भैया ऐसो है कि जाए आए कॉमेडी वीडियो इनने करी है, बैंक वाले पर इनने जो कमेंट करो है और ये कह रहा मतलब दूसरों को मरने के लाने दूसरों को मान डाइवर्ट क्या कर रहा है। तो देखो भैया एक चीज़ बता दे मैं, ये एक कॉमेडी है और कॉमेडी में ना ऐसी चीज़ें नहीं चलत कि कोई के लाने अपन शिक्षा नहीं दे रहे कि आप ऐसा करो, कोई के लाने मोटिवेट नहीं कर रहे, अपन एक कॉमेडी कर रहा है, उसमें एक किरदार है भली भांति बता रहा है, तो उस चीज़ के आप समझो, आप मतलब बिना उनको कछु भी ना बोलो, उनके पीछे सोचो थोड़ा सा देखो वह चीज़, मैं तुम्हें एक हकीकत बात बता दें जो हमने उनमें डायलॉग बोलो है कि कम फोर्स से टाइम निकाल के आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाओ, तो जो ना एक डायलॉग आपने देखो हो कपिल शर्मा शो को आए, और जब कपिल शर्मा शो जो ये डायलॉग कहाँ बोल सकते तो भैया वे इतने बड़े सितारे हैं, इतने बड़े कॉमेडियन हैं, उनको हमने वही चीज़ का हमने बुंदेली में बोलो तो बाकी में कौन वैसी गलत बात नहीं है, जब इतने बड़े भी बोल सकते तो अपना बोले में का है, तो आप अपनी सोच बदलो, तो आप अपने नज़रिया बदलो देखबे के, बाकी देखो आपसे कौन शिकायत तो है नहीं है हमें, बस ये चीज़ें ध्यान दो कौन वो नहीं ना, और बाकी वीडियो कैसा लगो आप लाइक करने हैं, चैनल खा के सब्सक्राइब नहीं करो तो करो, कैसे हर मतलब हफ्ता में हर एक वीडियो अपन खान जो मिले हैं कमेंट वालों आप लोगों के हम सवाल ले हैं, और आप लोग अगर चाहें तो हमारे सवाल भी वीडियो में आवें तो आप कहाँ हैज टैग आस्क कक्कू लगाने हैं और फिर अपना सवाल पूछने हैं, ठीक है, चाहे वो चैनल पर पूछियो चाहे इस चैनल पर पूछियो कोनो भी चैनल पर पूछियो वे सवाल हम जरूर ले हैं, ठीक है, बाकी चैनल का सब्सक्राइब कर लियो और बस जय राम जी।